वेलकम टू माई वीडियो आई एम आश ना परविन करेंटली फर्स्ट ईयर एम बी बस स्टूडेंट एट आई जी जी एम सी नागपुर कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एक चीज़ जो मैं सबसे पहले करूंगी वो ये है कि एनसीआर टी मार्किंग जो दिन है मैंने स्टार्ट किया था मतलब बीच में फिर वो छूट गया एग्जाम्स की वजह से मेरे तो वो सबसे पहले मैं कंटिन्यू करूँगी वापस से ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैंने डाल दिया था एंड देन उसके आगे का मैं पूरा कंटिन्यू करूँगी ऐसा करूंगी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक जेनेटिक्स हैं ट्वेल्थ के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिर आपका प्लांट फिजियोलॉजी आ जाता है तो इन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले कवर कर लूँगी कि जिससे कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली और उसमें मैं ये ज़्यादा फोकस करती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ें लिख के उसमें साइड में लिख देती हूँ मैं तो आप वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे जाके देख सकते हैं और मैं अब कॉन्टीन्यूस उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी आज के जो वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत फैंटेसी रहता है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसा होता होगा कॉलेज लाइफ वहाँ के एग्ज़ाम्स के रूल्स कैसे हैं ये क्या है कैसे एग्ज़ाम्स को हैंडल हम लोग करेंगे क्योंकि नीट बिल्कुल अलग है एक बात मैं बता दूँ और एम बिल्कुल अलग है एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग है आप अभी आएँगे तो आपको दिक्कत भी होगी हम लोग जब नीट से आए थे ना तो एकदम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पे आए थे तो स्टार्टिंग में लिखने में दिक्कत आती थी अब तो बिल्कुल मतलब क्या लिखते हैं हम लोग हम लोग क्या ही बताएं तो फिर ऐसा आ, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सेकेंड जनवरी सेकेंड जनवरी को एम का नोटिस आया डेट इज़ की नाइनटीन जनवरी से हम लोग की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं और सेकेंड फेब तक है वो आ, उसके बाद आप सोच लीजिए सेकेंड को आया एंड नाइन्टीन से एग्ज़ाम्स हम लोग को पहले अंदाज़ा था कि हाँ टेंटेटिव आ गया था लेकिन फिर भी फाइनल हो गया था ये और फिर हम लोग के पास सिर्फ सेवेंटीन डेज बाकी थी और हमारा सेलेबस इतना ज़्यादा था उसे पढ़ना उस टाइम पे हम लोग घर पे थे फिर ऐसे ही करते रहे पढ़ा थोड़े बहुत फिर यहाँ पर आए फिर हम लोग के एडमिट कार्ड्स और एडमिट कार्ड्स आए हम लोग इंटरनल साइनिंग हो गई हम लोग की फिर हम लोग पढ़ते थे हॉस्टल पे ऐसा कुछ सीन रहता था ना कि आप रात भर कोई ना कोई जगह ही रहे पूरे दिन भर यहाँ पर पढ़ाई चलती थी कोई ऐसा था कोई दिन भर पढ़ रहा है कोई ऐसा था जो बिल्कुल रात भर पढ़ रहा है मैं उसमें से हूँ जो कि रात भर पढ़ने वाली में से कि मुझे दिन में पता नहीं क्यों मेरा फोकस अच्छा नहीं हो पाता तो मैं रात में पढ़ती थी मस्त आराम से जितने भी तीन चार बजे जितने बजे तक पढ़ना है तो ऐसा कुछ सीन रहता था हॉस्टल में हम लोग का रात में हम लोग जगते थे तो उसमें क्या इतनी भूख लगती थी हम लोग को तो रात में कुछ के पता नहीं क्या क्या खाते थे हम लोग ढूंढते रहते थे इधर उधर से इधर उधर से मैगी अगर नहीं मिली तो मैगी इधर उधर से मांग के बना रहे बहुत कुछ होता है हॉस्टल में तो इस ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पर भी ऐसा ऐसा एक फन टाइम रहता है कि हाँ ठीक है प्रेशर रहता है एग्जाम है हमारे बट उसके साथ साथ हम उतनी मस्ती भी करते हैं उसमें तो ऐसे ऐसे होता था फिर हम लोग का जो सेंटर था जीएमसी नागपुर में था तो जीएमसी नागपुर हम लोग जाते थे सेंटर आ, वहाँ पर रोज़ सुबह हम लोग का जाना रहता था टेन टू वन हम लोग का शेड्यूल था उसमें भी बहुत दिक्कत होती थी मुझे सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है तो वो भी एक बहुत बड़ा वो था बिना सोए हुए हम लोग जाते थे मेरे साथ तो ऐसा था क्योंकि मैं रात में पढ़ती थी ज़्यादा तो फिर सुबह उठ के जाना कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं सिर्फ दो घंटे सो के और जा रही हूँ अपना एग्ज़ाम लिखना तो बहुत मतलब प्रेशर टाइप का रहता था ये जो दिन थे हम लोग के ये अभी पिछले महीना पूरा जैन हम लोग का इतना हैक्टिक गया है ना, हम लोग बता नहीं सकते फाइनली हम लोग का पेपर हुआ तो कुछ पेपर अच्छे आए कुछ पेपर ख़राब भी आए जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऑर्ड आ गए फर्स्ट पेपर जो था हम लोग का एन एट फर्स्ट उसमें ऐसे क्यूज़ हम लोग के ऐसे आए जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा इ थे आने के मतलब छोटे छोटे टॉपिक से बट ठीक है जो भी था सब लिख दिया आप यहाँ पर आने के बाद एम बी में एक चीज़ सीख जाते हैं कि आप क्वेश्चन राइटिंग मतलब जो आपका आंसर होता है वो आप मतलब कुछ भी लिखना होता है बट लिखना होता है और वो स्किल आपको आ जाती है यहाँ पर आने के बाद नीड जैसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि आप मतलब बहुत ज़्यादा वो लगा रहे हैं ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव रहता है या सब्जेक्टिव आपको लिखना है तो आप रिलेवेंट कुछ भी लिख रहे हैं उसमें ऐसे ही कुछ सीन होता है यहाँ पर तो मज़ा भी आता है एक चीज मैं जो आपको मतलब पॉइंट ऑफ दो व्यू आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब ऑल ओवर बहुत मज़ा आ है इसमें लेकिन प्रेशर भी बहुत है साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं एम टफ है, है कि नहीं है तो टफ बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूंगी मैं लेकिन ईजी भी नहीं है ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े निकाल ले रहे हैं आराम से ऐसा नहीं है जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा दिन रात पढ़ना पड़ता है तो अभी सेकेंड फैफ़ को जो है मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए थ्योरी के एग्ज़ाम्स और अभी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स तो मेरे बाकी ही हैं एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही सबसे पहला काम हम लोगों ने जो किया कि हम लोग इतने दिनों से बाहर नहीं गए थे तो सबसे पहले हम लोग बाहर गए जो हम लोग बाहर खाने गए तो वही है एग्जाम से छूटते ही अब थोड़े दिन हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि अब जो है प्रैक्टिकल्स में थोड़ा दिन है तो थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ाई करेंगे वापस से तो ओवरऑल जो था फर्स्ट ईयर मेरा काफी अच्छा गया मतलब मेमोरेबल था कि पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं एम बी ऐसा भी नहीं है आप अपने पैशन को साथ में आपने देख सका होगा कि मैंने ईयर लॉन्ग जो है अपने वीडियोस डालती रही हूँ मैं बस एग्ज़ाम्स के टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर आता है बाकी आप अपने पैशन को आराम से इसमें हैंडल कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है और फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो आराम से हो सकता है इतना कुछ भी नहीं रखता लेकिन जब आप नए नए अभी आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो लगेगा तो वो स्टार्टिंग में लगता है बट बाद में लगता है कि हाँ सब ठीक है चलो मैं रेगुलरली अब वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी जिसमें कि आप लोग को बताऊंगी कि कैसे आपको करना चाहिए कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी चीज़ों को तो उससे आप लोग को आई होप हेल्प मिलेगी सो ऑल द बेस्ट आप लोग को भी आ, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी नीट को अच्छे से दीजिए एंड इस स्टेज पर भी पहुँच जाइए जैसे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच बाय बाय